औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम जवाद अहमद है, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव ट्रेनर यूट्यूब चैनल, जिधर आपको मिलेगी गाड़ियों से मुतल्लिक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मास एयर फ्लो सेंसर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MAF और पार्ट है हमारा 6। आइए हम स्टार्ट करते हैं। मास एयर फ्लो सेंसर का काम ये है कि इसमें ये चीज़ मापनी होती है कि इंजन के अंदर कितनी हवा जो है ना वो दाखिल हो चुकी है। एयर फ्लो सेंसर यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हवा की कितनी मकदार जो है या क्वांटिटी कितनी इंजन के अंदर जा चुकी है, ये इसका जो सिग्नल है उसने ECM को बताना है। फिर ECM ने ये फैसला करना है कि जो इंजेक्टर है वो कितनी मिली सेकेंड के लिए खोलना है, फ्यूल कितना इंजेक्ट करवाना है, जिससे हमारा एयर फ्यूल रेशो जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। मास एयर फ्लो सेंसर जो है ना, इसकी दो इकसाम है जी, MAF की दो किस्म के ये सेंसर होते हैं। पहला है जी हॉट वायर टाइप, और दूसरा है हॉट फिल्म टाइप। हॉट वायर टाइप में क्या होगा, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, हॉट वायर में एक तार होगी, जैसे ही आप इग्निशन को ऑन करेंगे वो तार का जो है ना वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे एयर जो है ना इस वायर के ऊपर टकरा के गुजरेगी, फर्ज़ करें ये एक वायर है उसका टेम्परेचर हाई है, जैसे ही एयर इस वायर से टकरा के गुजरेगी इसका टेम्परेचर जो है ना वो डाउन होना शुरू होगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू होगा वही जो सिग्नल है ECM को ये बताएगा। ये तो हो गया हॉट वायर टाइप। जो हॉट फिल्म टाइप है इसमें एक पेपर होगा हॉट फिल्म टाइप, और यहाँ पे हवा के या एयर के जो मॉलिक्यूल है यहाँ से ऐसे टकरा कर गुजरेंगे, तो फिर ये क्या होगा, सेंसर को ये सेंसर जो है ना ECM को सिग्नल बताएगा हॉट फिल्म टाइप। अब ये आप लोगों ने देखना है कि इस ये जो सेंसर इस्तेमाल हुआ है इसमें हॉट वायर यूज़ हुआ है या हॉट फिल्म यूज़ हुआ है। अब हम इसकी वायरिंग की बात करते हैं कि इसकी वायरिंग में कितनी तारें होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। आपने देखा होगा कि सेंसर की बनावट जो है ना वो एक ही है। फर्ज़ करें ये आपका है ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, और ये है आपका मैप सेंसर। मैप सेंसर में पांच तारों वाला भी होता है मैप सेंसर, ये पांच तारों वाला मैप सेंसर है जिसमें 12 वोल्ट जो है ना। अब देखें ये पांच तारों वाला इसलिए है कि इसमें IAT सेंसर भी इसी के अंदर ही है, यानी IAT सेंसर वो है जिसने हवा का टेम्परेचर मापना होता है कि जो इंजन के अंदर एयर जा रही है उसका टेम्परेचर कितना है। तो ये जो दो वाली यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, ये जो दो वायर हैं ये वाली, ये होंगी किसकी, IAT की। तो आपको पता है IAT में पहले भी उसी इसकी वीडियो हम बना चुके हैं कि जो IAT सेंसर है वो दो तार वाला होता है, एक में होते हैं जी उसके 5 वोल्ट और दूसरा जो होता है वो ग्राउंड होता है, और बाकी जो तीन हैं वो बच गई हैं जनाबे वाला मैप सेंसर के लिए। तो मैप सेंसर ये वाली जो तीन हैं ये हैं किसकी, MAF की, और जिसमें एक जो होगा वो 12 वोल्ट रेफरेंस होंगे इसके, और एक होगा इसका सिग्नल, और जो तीसरी तार है वो होगा इसका ग्राउंड। यानी कि सेंसर की बनावट एक ही है लेकिन इसके अंदर दो फंक्शन रख दिए हैं, IAT का भी और MAF का भी। ये कितनी तारों वाला है जी, 5 तारों वाला, दो तारें इसकी होगी IAT की और तीन जो हैं वो किसकी हो गई, MAF की होगी। ये 12 वोल्ट ऑपरेटेड होता है, 12 वोल्ट इसको सप्लाई दी जाती है, और एक इसका सिग्नल और ग्राउंड। इसी तरह IAT जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था 5 वोल्ट और ग्राउंड, इससे हमें ये पता चला कि इसके जो रेफरेंस हैं वो दो हैं, यानी कि 5 वोल्ट और 12 वोल्ट, 12 वोल्ट MAF के, 5 वोल्ट IAT के, और दो इसके ग्राउंड हैं और दो ही इसके सिग्नल हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैप सेंसर जो है ना वो समझ आया होगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।